नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी न्यूज में। रिटायर्ड आईएएस के खिलाफ करीबन 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आ रहा है, जिसके बाद मध्य प्रदेश लोकायुक्त ने रिटायर्ड आईएएस के खिलाफ जांच का मामला प्रकरण दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश लोकायुक्त ने रिटायर्ड आईएएस राधेश्याम जुलानिया के खिलाफ ठेकेदार से करीब 1 करोड़ रुपए लेने की शिकायत पर जांच प्रकरण दर्ज किया है। जुलानिया पर आरोप है कि उन्होंने जल संसाधन विभाग की सब ठेकेदार फर्म अर्नी इंट्रा से 99.5 लाख रुपए अपने बैंक खाते में डलवाए हैं। शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त को दस्तावेज सौंपते हुए राधेश्याम जुलानिया, उसकी पत्नी और उसकी बेटी के खिलाफ भी केस दर्ज किया है और उन सभी को आरोपी बनाया है। इस मामले में जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं रिटायर्ड आईएएस राधेश्याम जुलानिया ने आरोपों को झूठा बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की इजाजत लेकर ही जमीन खरीदी और बेची है। वहीं रिटायर्ड आईएएस राधेश्याम जुलानिया का कहना है कि इस मामले में मेरी बेटी और मेरी पत्नी और मुझे फंसाया जा रहा है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है। हालांकि अब इस मामले में आगे जांच की जा रही है, जिसके बाद ही कोई मामला साफ हो पाएगा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहें डीवी न्यूज़ में।